हरियाणा में बाल विवाह को रोका जाएगा, इसको लेकर महिला आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने बताया कि बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए अब महिला आयोग जन प्रतिनिधि, सरपंच और पार्षदों को साथ लेकर चलेंगे, और अगर सरपंच के होते हुए भी बाल विवाह होता है तो वो भी अपराध में शामिल माना जाएगा। आयोग ने एक सिस्टम स्टार्ट किया है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने कुछ रूरल एरियाज की वजह से जींद, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, इस तरह के नू मेवात, इन कुछ एरियाज की वजह से हमने चाइल्ड मैरिज पर रोक लगे, जो कि एक गैर कानूनी है, उस पर रोक लगे। हमने सरपंचेज और वहाँ के पार्षदों को अपने साथ जोड़ने का निर्णय लिया है कि अगर कहीं पर चाइल्ड मैरिज होती है तो सरपंच लिखित में दे कि ये चाइल्ड मैरिज नहीं है। यदि वो होती है तो उसमें सरपंच भी फिर उस क्राइम में इन्वॉल्व माना जाए, क्योंकि सरपंच के होते हुए, मेंबर्स के होते हुए चाइल्ड मैरिज शहर में या उनके क्षेत्र में कैसे हो गई, इस चीज़ को देखते हुए हमें ये सख्त कार्रवाई कदम उठाना ज़रूरी है। तुम्हें साइबर क्राइम और महिलाओं के साथ हो रहे अपराध को रोकने के लिए भी महिला आयोग अलग अलग कदम उठा रहा है। छठी से बारहवीं तक की बच्चियों को हम साइबर क्राइम स्कूल में बताने के लिए निकल पड़े हैं। पिछले 3 महीनों से हमारा ये अभियान चला है, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम केस साइबर क्राइम के आ रहे हैं, तो ये स्कूल से हम कार्रवाई करें ताकि छठी के बच्चे को अगर हम अभी बताते हैं तो 8वीं 9वीं तक आते आते वो कुछ सुधार में हो जाएगा, जो समाज पर एक इफ़ेक्ट डालेगा बाद में। तीसरा, हम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में और वर्किंग प्लेसेस में जा रहे हैं, क्योंकि जो आज कॉलेजेस की बच्चियां हैं वो कल यूनिवर्सिटी जाएंगी और परसों कहीं ना कहीं जॉब करेंगी। हरासमेंट एट वर्कप्लेस क्या होता है, फिज़िकल हरासमेंट कैसे हो रहा है और उनको कैसे बचना होगा, इस चीज़ के बारे में हम एक आपस में डिस्कशन भी करते हैं और उनको एक कोई ना कोई अच्छा स्पीकर बुला के उनको जो है एक नॉलेज भी देते हैं। इस सोच के साथ कि महिला आयोग ये 2-3 कदमों को अगर आगे बढ़ाएगा तो आज नहीं तो कल, 2 साल बाद 3 साल बाद इसका इफ़ेक्ट दिखना शुरू होगा। यही हमारा प्रयास है, परिवारों को बचाने का, रिश्तों को बनाने का और समाज को एकजुट जोड़ने का। हरियाणा में अपराध पर लगाम लगाने के लिए सरकार प्रशासन अलग अलग तरीके से योजनाएं बना रहे हैं और हर वो प्रयास किए जा रहे हैं ताकि प्रदेश में हो रहे अपराध को रोका जा सके। खैर, आने वाले दिनों में ही नजर आएगा कि आखिर इसका राज्य में कितना असर देखने को मिल रहा है। हांसी से न्यूज 18 के लिए संदीप सैनी की रिपोर्ट।